आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ ये कई महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल मंदी की आशंकाओं के चलते डिमांड आउटलुक कमजोर होने और चीन में पिछले महीने क्रूड के इंपोर्ट में सुस्त रिकवरी से तेल पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। वहीं रॉयट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.8% कमजोर होकर बता दें कि $94.18 प्रति बैरल पर आ गया है। कीमतें फरवरी के आखिरी हफ्ते के बाद के निचले स्तर पर आ गई हैं। वहीं पिछले हफ्ते 13.7% की गिरावट इसमें रही है, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। बता दें कि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.8% कमजोर होकर $88.34 बैरल पर आ गया है, जबकि पिछले सप्ताह 9.7% की गिरावट रही थी। वहीं कस्टम्स से मिली डाटा के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े क्रूड इंपोर्ट चीन ने जुलाई में प्रतिदिन 87.9 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड का इंपोर्ट किया, जो जून के 4 साल के निचले स्तर से ज्यादा है, लेकिन 1 साल पहले की तुलना में ये अभी तक 9.5% कम है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर घरेलू मार्जिन के बीच चीन के रिफाइनर्स ने भंडार कम कर दिया है, क्योंकि देश के कुल निर्यात में कमी आई। वहीं अमेरिका में गैसोलीन की डिमांड में कमी और चीन की जीरो कोविड स्ट्रेटजी से रिकवरी को झटका लगने के बाद ANZ ने 2022 और 2023 के लिए तेल की मांग का अनुमान घटाकर 3 लाख और 5 लाख बैरल BPD तक घटा दिया है। वहीं बैंकों ने कहा है कि 2022 के लिए तेल की मांग अब सालाना आधार पर 18 लाख BPD बढ़ने का अनुमान है और 9.97 करोड़ BPD रह सकती है, जो महामारी के पहले के स्तरों से कुछ ही कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।